मिर्ची या सब लोग सब लोग अंडा ले लो भाई पीछे आ जाना वाइट मिलेगा यार पीछे आ जा पीछे पीछे भाई लो थोड़ा पीछे आ जा भाई पीछे आ जाना वाइट मिलेगा सर थोड़ा नजदीक आ जाएंगे प्लीज थोड़ा सा हां आ जा आ जा नजदीक आ जा सामने हां ऐसा थोड़ा नीचे रखो सर राखी जी एक मिनट आप मिर्ची ले लो राखी नहीं नहीं अंडा भी ले लो मिर्ची भी ले लो यार मैं राखी जी इधर राइट में सेंटर सेंटर सर सर सामने दे दीजिए आपकी राइट में राखी जी सर प्लीज ये कैमरा राखी इधर बस 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 राखी जी इधर मैडम ओके डन डन मैडम एक सोफा इधर दादा थोड़ा पीछे तो गरीबों को वहाँ पे वेट कराना अच्छी बात नहीं ना महिलाओं को उनको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है ना तो आपने टाइमिंग लिया गेट द अंडा तो लाइट दे थोड़ा ये दे लाइट लाइट दी थोड़ा ये करो नहीं इधर घुमा दो ग्रीन वाला मदर मैं इधर नहीं आ रहा इनको नहीं जा रहा मैं थोड़ा सा यहाँ पे पाजी पाजी चलो वो लोग वेट कर रहे हैं रेड वाले वो कहाँ हेलो सबसे पहले तो मैं आपकी जवाब आपके सवाल का जवाब बाद में दूंगी मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय आम पार्टी का जो अभी ऑफिशियली चुनाव चिन्ह जो मिला है इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये चुनाव चिन्ह दिया है ग्रीन चिली अब मैं इसे हक से कह सकती हूँ कि यस अब मुझे चुनाव चिन्ह मिल गया है और राष्ट्रीय आम पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह ये है आप सोच रहे हो कि ब्लैक एंड व्हाइट क्यों है क्योंकि जब हम वोट करने जाते हैं तो ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है उसमें सारे जो चिन्ह होते हैं जो चुनाव चिन्ह वो ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं तो हमारी ग्रीन चिली भी ब्लैक चिली हो गई है इसलिए पहले इनका तो जवाब दे दूं हेलो जी बोलिए आप बोलो राखी मैंने वही पूछा आपसे कि आपके ऊपर ग्लैमरस का एक टैग लगा हुआ है बीइंग अ ग्लैमरस आइटम गर्ल के नाम से आप काफी फेमस थी तो लोग आपको कितना सीरियस ले रहे हैं बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं लोगों के बीच में जा रही है बहुत ज्यादा सीरियस ले रहे हैं बहुत लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जहाँ पे भी मैं जाती हूँ पुलिस कम पड़ रही है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इतने लोग मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नॉर्थ वेस्ट है उत्तर पश्चिम तो इतने लोग देखने आते हैं और मैं जब उनके सामने हाथ जोड़ती हूँ उनको कहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दीजिए तो सारी महिलाएं सारे भाई सारी बहनें मुझे बिल्कुल ऐसे कहती हैं कि वी विल वोट फॉर यू तो बड़ा मजा आता है और अच्छा लगता है मेरा नया एक्सपीरियंस है और बात रही ग्लैमर की और इंडस्ट्री से आई हुई लड़की चुनाव में कदम रखने की तो भैया मैंने ग्लैमर वर्ल्ड में आया ग्लैमर वर्ल्ड से आई हूँ जेल से तो नहीं आई ना किसी बलात्कार के आरोप में तो उससे नहीं आई ना फिल्म इंडस्ट्री से बहुत हद से कहती हूँ आई रिस्पेक्ट माय फिल्म इंडस्ट्री और वहां से आई हूँ और जनता के लिए बहुत ईमानदारी से काम करना चाहती हूँ और बिल्कुल मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा कतरा है जब तक मैं उनके लिए सेवा करना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसलिए चुनाव में आई क्योंकि न्यूज में आप रोज देखते हैं आप ही लोग दिखाते हैं मैं भी देखती हूँ हर पुलिस स्टेशनों में कि बिल्कुल महिला का कहीं सम्मान नहीं है एक नॉर्मल महिला की तो आप छोड़ दीजिए जो एक मीडिया में होती है
अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं। मीडिया में एक लेडी होती है जो कैमरा फोटोग्राफर या एंकर होती है, उनके साथ में इतनी बदतमीजी होती है, तो आप सोचिए कि कुछ लोग जो है टपोरी टाइप, जो महिलाओं को छेड़ते हैं, जिनको मैं टपोरी टाइप कहूंगी, जो उनको एंकर एक मीडिया की लड़की, जो मीडिया होते हैं उनको डर नहीं होता, तो आम लड़की जो कॉलेज से आती है, सर्विस में जाती है, आप सोचिए कि बिल्कुल भी वो कैसी हरकतें उनके साथ करते होंगे। तो इसीलिए मैं चुनाव में आई हूँ और लोकसभा चुनाव में सांसद का मैं लड़ रही हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मेरे देश की जनता और ये सुन रही है, ये देख रही है कि मैं महिलाओं के लिए कड़े से कड़े कानून बनाना चाहती हूँ। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं लड़ रही हूँ, उत्तर पश्चिम से, मेरे दिल की तमन्ना है कि मेरी हर एक एक बहन ऑटो चलाए, टैक्सी चलाए, बस चलाए, कंडक्टर बने, और मैं चाहती हूँ कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि वो बीए बीकॉम कर लेती है, लेकिन वो नौकरी क्या क्या करती है, तो बहुत हेलो तो उनके पास रोजगार नहीं होता है, तो बस मेरे दिल की इच्छा यही है कि अब ज्यादा से ज्यादा महिला जो है अपने पैरों पे खड़ी रहें और अपने लोग जैसे जैन मर्दों के साथ बिल्कुल कदम से कदम बढ़ाकर चले। क्या करूं मेरी बहन, मीडिया ने कभी मेरा वो वाला रूप दिखाया ही नहीं। मीडिया जहाँ पे मैं डांस करती थी वही आप लोग रूप दिखाओगे, तभी मैं क्या करूं मीडिया। और आप मेरी बहन, पूरी मीडिया जानती है कि मैं इतने कोई बड़ा स्टार कीचड़ों में उतरा नहीं, बारिशों में। मैं पहली लड़की हूँ जो कीचड़ों में जाके दिखाया सरकार को, बीएमसी का जो प्रॉब्लम है वो दिखाया। आपके पास है, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गार्बेज पॉइंट दिखाया मैंने। मैं पिछले 7-8 साल से मैं बिल्कुल अपने एरिया में पूरा काम कर रही हूँ और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैंने कभी राजनीति में आऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कूदना चाहिए। क्योंकि वो नेता जो जनता उनको चुन के लाती है, वोट करती है, वो नेता तो मेरी जनता को तो मुंह भी नहीं दिखाते। वो तब मुंह दिखाते हैं जब इलेक्शन होता है, बिरयानी खिलाते हैं, पता नहीं क्या क्या पिलाते हैं, कपड़े देते हैं, और रात को अभी तो जंगलों में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होगी, नोटों के बंडल बनाती होगी। अभी आज क्या तारीख होगी, 19-18, कल 19-20-21 तारीख को सबके 20 और 21 तारीख को सबको पैसा बांटना उनका शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल सच बात है। मैं कहती हूँ अगर जर्नलिस्ट मीडिया अगर सच्ची है, अगर वो भगवान का अवतार है, तो एक एक नेताओं का भांडा फोड़े, एक एक मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक नेताओं के घर घर में जाके देखें, जंगलों में जाके देखें, और लोगों के जो उनके कार्यकर्ता कैसे खिड़की में से पैकेट फेंकते हैं वो देखें, और उनका भांडा फोड़े, और फिर पूरी देश की जनता को बता दे कि ये जो है नोट देकर वोट कैसे जीत कर आते हैं। क्योंकि जनता ईमानदारी से उनको डेफिनेटली अगर देखा जाए, जनता तो बहुत परेशान है, उनको बिल्कुल भी जनता वोट देना नहीं चाहती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इलेक्शन का कार्ड डबल डबल बनाते हैं, नाखून पोंछ कर और डबल डबल जगह जाते हैं। मैं आपको कह रही हूँ बहुत सारे लोग हैं जिनका दो दो बार कार्ड अगर होता है, जैसे एक यहाँ से जोगेश्वरी ईस्ट से अगर वोट किया तो कहीं वो बिल्कुल उंगली पहुंच के कहीं और भी पहुंच जाते हैं। जैसे हमारे शरद पवार जी ने बोला है, क्या हो गया शरद पवार जी को पता नहीं, कभी चक्कर आके गिर जाते हैं, कभी ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, इनको अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए। कर भी हमने तहलका मचा दिया आप लोगों की दुआ से। ये अंडा है, हम लोगों ने बिल्कुल, हमारे जो यहाँ पे हमारे भाई है, भाई इधर आ जाओ ना, अंडे वाले भाई, ये इन्होंने अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं राखी सावंत को, तो हम चाहते थे कि हमारा चुनाव चिन्ह में बिल्कुल बहुत लेट मिला, 7-8 दिन पहले मिला, लेकिन इससे हम हिम्मत नहीं हारते। तो हमारे भाई जो आए और मैंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा चुनाव चिन्ह लोगों तक कैसे पहुंचा पाए, क्योंकि लोगों के चुनाव चिन्ह बहुत पहले से मिले हैं, मुझे मिर्च मिला है, तो कैसे पहुंचा पाए, ऐसा क्या करे, क्योंकि बहुत सारे लोग टीवी देखते नहीं, 24 घंटे काम करते हैं, तो मुझे वोट करने के लिए उनके दिमाग में चुनाव चिन्ह आना जरूरी है। तो हमारे भाई है, आइए आइए, अब डरने की जरूरत नहीं है। तो
तो आइए, तो इन्होंने सोचा कि ये अंडे, अंडा जो है, अंडे पे मेरी फोटो और चुनाव चिन्ह ये बिल्कुल लगा दिया और एक नई पब्लिसिटी है। ये घर घर अंडे जाएंगे, कुछ 2.5 से 3 लाख अंडे हैं इन्होंने किए हैं हमने मिलकर, तो बिल्कुल मेरी मुझे हेल्प करने आ गए। रोज सुबह अंडे तो हर घर में बनते हैं, हर घर में अंडे ऑमलेट बनता है, उसमें भी मिर्ची तो पड़ती पड़ती है डेफिनेटली। तो इन्होंने बिल्कुल अंडों पे ऐसा मेरी फोटो और ऐसा बिल्कुल मेरा चुनाव चिन्ह डाला है और घर घर जाएंगे और सबको अंडे देंगे और इस बहाने मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा और मेरी जो हरी मिर्च है चुनाव चिन्ह लोगों के घर तक पहुंच भी जाएगी। धन्यवाद भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? कहिए। मैं पहले तो मीडिया से बहुत माफी मांगती हूँ कि मैं हमेशा मीडिया में आती हूँ, न्यूज में, डिबेट में, बट अभी चुनाव का समय है तो मैं बिल्कुल मीडिया को समय नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं होता, क्योंकि मैं दिन रात सुबह 7:30 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक मैं सिर्फ झुग्गी झोपड़ियों में, बिल्डिंगों में रहती हूँ, क्योंकि हम सबसे एंड में आए हैं, तो दिन रात हम प्रमोशन कर रहे, जाके अपना चेहरा दिखा रही हूँ, चुनाव चिन्ह लेकर जाकर लोगों से मिल रही हूँ, लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मेरा चुनाव चिन्ह है, इसी पे बटन दबाना, इसी पे बटन दबाना, मैं लोगों को कह रही हूँ और झुग्गियों में जा रही हूँ, हर जगह जा रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, महिलाओं का, बच्चों का और बुजुर्गों का, सीनियर सिटीजन का और बिल्कुल आदमियों का, हिंदुओं का, मुस्लिमों का, दलितों का, सभीयों का, मराठियों का, सबका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं सभा लेती हूँ और चिक चिक कर कहती हूँ कि किसी भी नेता के लिए आपस में मत लड़ो, किसी भी नेता के लिए आपस में मत लड़ो, क्योंकि ये नेता अपनी कुर्सी पाकर तो डेफिनेटली MP MLA सब बन जाएंगे, अगर कोई अकेला रह जाएगा तो फिर जनता, तो इसीलिए मैं सभा लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और मेरी टक्कर किससे होगी? राखी सावंत की टक्कर आप तो खुद जानते हैं, ये गुरदास कामत जी है, मनीष मांजरेकर जी है, या गजानन कीर्तिकर जी हैं, या मयंक गांधी है, तो इनको जिस दिन पता चला कि राखी सावंत चुनाव में खड़ी है नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उनको सबको जुलाब लग गए, उनको ऐसे जुलाब लग गए कि किसी भी डिबेट में मेरे सामने आने को तैयार ही नहीं है, आते हैं आधे रास्ते तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि राखी सावंत सामने डिबेट में है तो भाग जाते हैं, तो देखिए कितना डरते हैं मुझसे, तो आपको पहले ही पता चल गया कि कितना डरते हैं मुझसे, और इनको डेफिनेटली मैं डराऊंगी, इन सबको डराऊंगी और आप देखिएगा कि कैसे मैं जीत कर आती हूँ और पूरी जनता मुझे कैसे सपोर्ट करती है, और जनता के साथ रहकर इन सबका मुंह काला करूंगी, क्योंकि ये लड़की हिंदुस्तान की बेटी, जनता की बेटी, मीडिया की बेटी, कैसे इन नेताओं का मुंह काला करेगी, इनके नाक के नीचे ये मेरे एरिया को कैसे मैं स्वर्ग बनाऊंगी और उनके लिए सारे काम मैं पूरे करूंगी, जनता के सारे काम मैं पूरे करूंगी, ये मेरा वादा है।